सब्सक्राइब करें टेक्निकल गुर्जर जी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुर्जर जी चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों आपके लिए हम टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहते हैं। दोस्तों अब हमने जो अपना इस वीडियोज़ का टॉपिक है उस पर चलते हैं। दोस्तों आज हम जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, अपने पीसी में, तो स्क्रीनशॉट हम ले नहीं पाते, तो हमें इसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अलावा हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। दोस्तों इसका अपना एक टूल्स है, विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 10 में भी हो, शायद 8 में भी हो। तो विंडोज़ 10 में तो, विंडोज़ 7 में तो ये है टूल अवेलेबल है, तो मैंने विंडोज़ 10 में ट्राई नहीं किया। तो दोस्तों इस हमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से कोई तस्वीर डाउनलोड नहीं कर सकता जैसे कि, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। दोस्तों मैं अब चलता हूँ स्टार्ट विंडो में, तो हमने विंडो पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे स्निपिंग टूल, तो स्निपिंग टूल यहाँ पे सामने भी आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास दोस्तों ना आए, तो आपने स्निपिंग टूल इस तरह सर्च करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्निपिंग टूल्स आ चुका है, तो आपने स्निपिंग टूल यहाँ पर सर्च करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपकर यहाँ पर एक्शन लेने के लिए आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब ये हमें देखिए प्लस का निशान नज़र आएगा आपको, तो हमने जो अपने माउस का राइट बटन है उस पर क्लिक करके उससे इस तरह से तस्वीर के ऊपर कर लेना है, जैसे हम तस्वीर लेनी है कोई सी भी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने चैनल के नाम से। तो मैं यहाँ से देखें मैंने अपने माउस का राइट बटन दबाया हुआ है, और जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तो ये शूट नहीं होगा। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ तक इसकी पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो अब मैंने इसको छोड़ने लगा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है विंडोज 7 का। तो हमने दोस्तों देखो बड़ी कामयाबी के साथ अपने इस टूल्स को हमने इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर खींच ली। तो मैं ऐसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको यस कर देता हूँ सेव करने के लिए। अब हम यस करते हैं इसे, मैं डेस्कटॉप पे से फेंक देता हूँ डेस्कटॉप पे, तो या फिर डाउनलोड में कर देता हूँ, डाउनलोड में जगह खाली होगी। तो मैंने यहाँ पर इसको दोस्तों सेव कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा इस ये डाउनलोड में आ चुकी है या नहीं पिक्चर्स। तो पिक्चर्स को दोस्तों देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की पिक्चर्स है जो हमने इसे शूट किए। तो मैं एक और पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ, आप किसी भी जगह से पिक्चर ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपका एक छोटा सा ये भी करना होगा आपको स्निपिंग टूल, यहाँ से मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो आप इसे यहाँ पर पक्का पक्का जो है ना सेट कर सकते हैं स्निपिंग टूल को। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो आपने पिन स्टार्ट प्रोग्राम दिस टास्क बार, तो हम आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहीं पर रहेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करें अपना स्क्रीनशॉट लें, उसको यहाँ से बंद कर दें। तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया, इसे फिर ऑफ कर दिया। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, इसे दोबारा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार है। तो मैं अब इस पर क्लिक किया हुआ है, तो मैं दोस्तों अब जैसे यहाँ की इस विंडोज़ की तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो मैं इसे डाउनलोड तो कर नहीं सकता, मैं इसकी यहाँ से ये पिक्चर ले ली और मैंने इसे छोड़ा। तो दोस्तों ये उसी तरीके से पिक्चर इसने खींच ली है, शूट कर ली है। तो मैं इसे दोबारा सेव कर देता हूँ डाउनलोड में। तो ये कह रहा है कि नाम जो है थोड़ा चेंज करो, पहले भी इसी नाम से पिक्चर चेंज सेव है। तो मैं इस पर डबल टू कर लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा इस पर चेक कर लेता हूँ कि हमारी पिक्चर जो है वो शूट हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारी पिक्चर शूट हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।